शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर वन। देखिए आपके वर्कशीट नंबर वन ये पूरे वीक वर्कशीट नंबर वन ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए रोज़ आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये वर्कशीट नंबर वन है किसकी, मैथ सब्जेक्ट की, ठीक। जैसे अब आपकी कल जो आई थी वो किसकी थी, इंग्लिश की, आज किसकी है, मैथ्स की। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आई है, मैं दोनों में डालूंगी तो आप लोग ले सकते हैं। ये आपकी डेट हो गई, क्लास आपका सेवन्थ, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो क्या है ये, आंकड़े, ठीक है, यानी डाटा। यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, दो बार, तीन बार, चार बार गमले दिए गए हैं, एक दो तीन चार, चार बार बैडमिंटन है, एक दो तीन, तीन बार कैप है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार बॉल भी है ना, एक और दो, दो बार टैडी है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा, तो मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी, यानी कि बिखरी पड़ी थी। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा, आओ देखिए आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हें गिनते हैं और एक सूची बनाते हैं, ठीक है। अब दोनों बहनों ने करा, तो अब देखिए क्या लिखा है, आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, यानी जो आंकड़े हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या कोई भी चीज़ जो है जो इकट्ठा आ जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, आंकड़े, किसी चीज़ को काउंट करना, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, अरे वाह ये तो आंकड़े हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ आपको वस्तुओं की गिनती दे दी, गेंद 5, ठीक है, बैडमिंटन के रैकेट जो हैं वो कितने हैं, 4, खिलौने कितने हैं, 2, है ना, गमले कितने हैं, 4, टोपी कितनी है, 3। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिखें, तो यहाँ से सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, 4, फिर 5, तो देखिए यही मैंने क्रम लिया। इसके बाद क्या लिखा है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार आया है, तो अब आप बताइए सबसे अधिक बार कौन सा आया है, तो 5 गेंद, तो मैंने लिख दिया गेंद आया है कितनी बार, 5 बार। अब लिखा है उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार आया है, तो सबसे कम बार कौन सा आया है, खिलौने आया है, कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। तो आज की वर्कशीट में बस इतनी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।